हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की तैयारी, हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत और ईंधन भरवाने की भी सुविधा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा का जलवा, नारनौल में तैनात डीएसपी की बेटी रीधम सांगवान ने जीते 4 गोल्ड। दक्षिण अमेरिका के पेरू में आयोजित प्रतियोगिता में मिला पहला स्थान। बिजली सुधारों में दूसरे पायदान पर पहुंची हरियाणा की पावर कंपनियां, दिल्ली के बाद बिजली सुधारों में दूसरे नंबर पर हरियाणा, निगम को हुआ मुनाफा। देश भर में एक बार फिर महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ रही सब्जियां, जयंत में टमाटर 60 तो प्याज 40 रुपए किलो पार, लोगों को रसोई ने बिगाड़ा जायका। नमस्कार, हरियाणा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की तैयारी हो रही है। यहां से हेलीकॉप्टर ना सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत व ईंधन भरवाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस हेली हब से गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। देश में 5 हेली हब बनाए जाने हैं। इनमें मुंबई के जुहू पर 20 से 25 हेलीकॉप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता वाला हेली हब बनेगा। गुरुग्राम में इसकी क्षमता 30 से 35 होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात के दौरान मंत्रालय की तरफ से हेली हब के लिए जमीन देने का प्रस्ताव दिया गया है। सीएम के अनुसार राज्य सरकार गुरुग्राम के प्रस्तावित ग्लोबल सिटी में हेली हब बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। हरियाणा के गृह निकाय व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने माता मनसा देवी खंडपीठ के दर्शन किए। अनिल विज के साथ उनके भाई और भाभी और साथ में परिवार के बच्चे भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर पंचकुला स्थित माता मनसा देवी शक्तिपीठ में शीश झुकाया और जनता की उन्नति विकास के लिए पूजा अर्चना की। वहीं गृह मंत्री ने पंजाब में मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की कश्ती में सुराग हो चुका है और ये धीरे धीरे सब प्रांतों में डूब रही है। पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हर राज्य में डूब रही है और हर जगह इनके आपस में झगड़े चल रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज नवरात्रों की अष्टमी है। मैंने माता मनसा देवी के चरणों में शीश झुकाकर प्रदेश के लोगों के लिए शुभकामनाएं मांगी है, तरक्की मांगी है, उन्नति मांगी है। कांग्रेस का तो हर प्रदेश में चल रहा है, ये तो इनकी तो कश्ती में सुराख हो चुका है और ये धीरे धीरे सब प्रांतों में डूब रही है। पंजाब में भी डूब रही है, राजस्थान में भी डूब रही है, छत्तीसगढ़ में भी डूब रही है, हर जगह पर इनके आपस में झगड़े। चल आगे चल। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी से हटाए गए ठेका कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लाने वाले सिविल सर्जन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के जून 2021 में जारी आदेश को लागू करने पर विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने 11 जिलों के सिविल सर्जन को छटनी का शिकार कर्मियों को ड्यूटी पर लाने के ताजा आदेश जारी किए। महानिदेशक ने पत्र में यमुनानगर, कैथल, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, पलवल, भिवानी व सोनीपत के सिविल सर्जन को कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के 10 जून 2021 के आदेश पर तत्काल अमल करें। वर्ष 2020-21 या उससे पहले नौकरी से हटाए गए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जाए, उन्हें ड्यूटी से हटाना गंभीर मामला है। मंत्री के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को हटाने का सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है।
हरियाणा के लिए गर्व की बात है। दक्षिण अमेरिका के पेरू में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में नारनौल में कार्यरत डीएसपी नरेंद्र सांगवान की बेटी रिधम सांगवान ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन कर दिया है। इतना ही नहीं, 2 प्रतियोगिता में तो रिधम ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के रिकॉर्ड भी बना लिए हैं। 17 साल की रिधम सांगवान इस समय फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। अमेरिका में आयोजित इस प्रतियोगिता में रिधम सांगवान गर्ल्स एवं बॉयज की स्टैंडर्ड शूटिंग प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक लेकर विश्व में प्रथम स्थान पर रही। डीएसपी नरेंद्र सांगवान ने बताया कि रिधम ने 25 मीटर की स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर रैपिड मिक्स, 10 मीटर की एयर पिस्टल टीम तथा 25 स्पोर्ट्स पिस्टल टीम में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। डीएसपी की बेटी रिधम सांगवान ने अमेरिका में झंडे गाड़े हैं, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, देश को गौरवान्वित करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, आपको बताते चले, जिससे लोग उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। जिंद में टमाटर और प्याज के बढ़ रहे भाव ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मंडी में टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है तो वहीं प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे आम आदमी के लिए सब्जी में तड़का लगाना मुश्किल हो गया है। फुटकर विक्रेताओं ने बताया कि बरसात की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई है, जिससे महाराष्ट्र से टमाटर नहीं आ रहा, अभी केवल हिमाचल प्रदेश से काफी कम टमाटर मंडी में आ रहा है, जिसके कारण भाव बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में टमाटर के भाव और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। महंगाई के मार से जनता का बुरा हाल हो गया है। 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और 40 रुपए किलो प्याज, जिससे अब सब्जी में तड़का लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिससे लोगों की थाली में स्वाद की कमी हो रही है। जून में सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, टमाटर 60 रुपए किलो पहुंच गया है तो वहीं प्याज का जो भाव है वो 40 रुपए किलो पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बरसात का समय चल रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र से टमाटर नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश से टमाटर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और आने वाले समय में सब्जियों के रेट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इस महंगाई की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस समय रसोई का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजली वितरण में सुधार के मामले में हरियाणा की बिजली कंपनियां दिल्ली के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में जहां बिजली वितरण निजी हाथों में है, वहीं प्रदेश में ये काम सरकारी कंपनियों के हवाले है। खास बात यह है कि प्रदेश उन 8 राज्यों में शुमार हो गया है जहां की बिजली वितरण कंपनियां मुनाफे में है। नीति आयोग ने प्रदर्शन में सुधार का श्रेय हरियाणा सरकार की मजबूत व ठोस नीतियों के साथ तत्कालीन प्रबंध धन निदेशक शत्रुजीत कपूर को दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उन्हें सुधार की नीतियों लागू करने में पूरा सहयोग मिला है। नतीजा यह रहा कि बिजली निगम घाटे से उभरने में सफल हो रहा है। आंतरिक सुधारों पर फोकस और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार से यह संभव हुआ है। बिजली वितरण में सुधार हुआ जिससे अब मुनाफा भी हो रहा है। हरियाणा की बिजली कंपनियां दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी हैं और जिससे निगम को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद हरियाणा में बुखार और डेंगू ने लोगों को अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया है। डेंगू के रोजाना 80 से ऊपर मरीज मिलते नजर आ रहे हैं। 13 दिनों में 1141 लोग चपेट में आ चुके हैं। सितंबर में 450 मामले सामने आए, अचानक से बढ़ोतरी हुई है। अब तक डेंगू के 1500
91 केस सामने आ चुके हैं। पंचकुला, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह और महेंद्रगढ़ हॉटस्पॉट बन चुके हैं। अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में प्रदेश में अब तक डेंगू से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। डेंगू के 132 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, इनमें से 38 सरकारी और 94 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती है। मंगलवार को 43 मरीजों को दाखिल करवाया गया था, जबकि 73 मरीजों को ओपीडी के माध्यम से इलाज चल रहा है। अभी डेंगू और मलेरिया के मौसम अनुकूल चल रहा है, जिससे आने वाले समय में मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जहां एक तरफ लोग कोरोना से परेशान थे, ऐसे में अब बरसात के मौसम में डेंगू ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। डेंगू मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 13 दिन में ही 1,141 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें कई मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं तो कुछ मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरकारी आंकड़ों की, तो अभी तक डेंगू से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। लेकिन आने वाले समय में जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, जिससे मरीजों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लगातार अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि साफ सुथरा पानी पिए, अपने घर के आसपास सफाई बना करके रखें, ताकि डेंगू आपको अपनी चपेट में ना ले पाए। त्योहारों का सीजन शुरू होने से बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ती नजर आ रही है। बाजार में बढ़ती भीड़ के बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइंस के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं वायरस को निमंत्रण देते हुए नजर आ रही है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद आमजन कोरोना को लेकर के निश्चित दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस समय त्योहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन रौनक के साथ साथ हम सभी को इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोरोना अभी गया नहीं है। दो गज की दूरी और जो कोरोना की गाइडलाइंस है, उन सभी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से हमें पालन करना है, ताकि फिर से तीसरी लहर ना आ पाए। फिलहाल वैक्सीनेशन सभी लोग करवा रहे हैं, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी हमें दो गज की दूरी का ख्याल रखना है, और अगर हम बाजार जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करिए, ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना में मारे गए किसानों को गोयला चीका के किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च में किसानों के साथ साथ छोटे बच्चे भी शामिल रहे, तो वहीं महिलाएं भी इसमें मिलकर के कैंडल मार्च करते हुए श्रद्धांजलि उन्होंने किसानों को अर्पित की है। गोयला चीका के किसानों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बच्चे भी मौजूद रहे, साथ ही साथ महिलाएं भी शामिल रही हैं। लड़के ने गड्डियां चढ़ा के जीपां दे थले दड़ के मार दिता, जिन्हां दा अज उत्थे बड़ी लखां दी तादाद दे विच लखीमपुर खीर दे विच संगतां पुज के उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेट कीते ने। जिथे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होर ने उन्हां दे यादां बनाउण वास्ते भी उन्हां ने ऐलान कीते ने, उत्थे गुला नगर दी संगत, साडे किसान वीर जिहड़े कि शहीद होए, असीं उन्हां नूं अज श्रद्धांजलि दिंदे होए। खबर करनाल से है, जवान निसंग में हुई बैंक डकैती की वारदात को लेकर के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताते चले, डकैती में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी राम पुनिया ने पत्रकारों से वार्ता में इस घटना का खुलासा किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बैंक डकैती की वारदात का खुलासा किया गया है। डकैती में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ₹64,000
करनाल जिले की घीड़ अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। आपको बताते चले 20,000 क्विंटल धान की फर्जी खरीद उजागर हुई है। मंडी में धान आए बगैर गेट का पास काट दिया जाता है और इतना ही नहीं धान की पेमेंट भी रोक दी जाती है। सरकारी खरीद के फर्जीवाड़े में राइस मिलर्स आरती मार्केट कमेटी अधिकारी और खरीद एजेंसी के अधिकारी संलिप्त बताए जा रहे हैं। वहीं घीड़ मंडी में 28 आरती फर्जी मिले हैं तो 10 राइस मिलर्स ने धांधली भी की है। डीसी निशांत यादव ने धान खरीद में फर्जीवाड़ा करने में शामिल मार्केट कमेटी के 4 कर्मचारियों और 28 आरतियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। मंडी में धान आए बगैर ही गेट का पास काट दिया जाता है। फिलहाल आपको बताते चले फर्जीवाड़े में राइस मिलर्स और 28 आरतियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। धान की जो खरीद है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और हमारे जिले में अभी तक अगर मैं आज दोपहर में 3 बजे तक की बात करूं तो लगभग 4.5 लाख क्विंटल धान आ चुका है, जो कि पिछले साल जितना धान आया था उसका लगभग 40% है। यानी मैं कहूँ कि लगभग 40% जो धान हमारे पास जो पूरे सीजन में आना होता है उसका 40% जिले की 15 मंडियों में आ चुका है और जितना आया है उसके लगभग हमारी 90% की खरीद भी हो गई है और लगभग 55% की लिफ्टिंग भी हो गई है। एक पुलिसकर्मी सहित जिला अस्पताल कैथल के 6 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कैथल कोर्ट के आदेश पर मारपीट और धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कैथल की अदालत ने डॉक्टर विनय गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। आपको बताते चले 26 अगस्त को डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल के सरकारी अस्पताल में एक IGI लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सरकारी अस्पताल कैथल के कर्मचारियों और एक पुलिसकर्मी ने प्रियंका नाम की नर्स के उकसावे में आकर साजिश के तहत हमला करके मारपीट की थी, जिसकी पूरी वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई थी, जिसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने को की गई थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना किए जाने को लेकर के याचिकाकर्ता ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसमें सभी सबूत कोर्ट के सामने रखने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। कैथल में 14,32,000 रुपए का गबन मामले में BDPO के 7 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। SCS पंचायत अमित झा ने आदेश जारी किए हैं। आपको बताते चले कैथल के डेरा गडला पंचायत में बिना कार्य किए 14,32,000 रुपए निकलवा लिए जाते हैं। वही ADC की जांच में कैथल के BDPO सुरेंद्र शर्मा, SGO विवेक कुमार, ज्वई कृष्ण चुटानी और ग्राम सचिव प्रवीण कुमार को दोषी पाया गया था। चार ग्राम सचिव, JE, SDO व अपना BDPO शामिल थे, जिसमें जिसके लिए ग्राम सचिव के लिए माननीय उपयुक्त महोदय ही सक्षम थे, उन द्वारा चार्जशीट किया गया था। अब ये जो है ना JE और SDO और BDPO को की भी चार्जशीट की प्रति Rule 7 में चार्जशीट किया गया, वो अभी लेटर मिल चुके हैं हमारे को और JE का जो हमने चार्जशीट का जो मसौदा बना के भेजी इसमें। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड को लेकर के CBI के स्पेशल कोर्ट के द्वारा पंचकुला में फैसला सुनाया जाना था। वह इस केस में सजा को लेकर के अब 18 अक्टूबर को पुनः सुनवाई होगी। CBI अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह सहित 5 लोगों को इस मामले में 8 अक्टूबर को दोषी करार दिया था और फैसले को 2 दिन के लिए सुरक्षित रखा गया था। डेरा प्रमुख को CBI कोर्ट तीसरी बार सजा सुनाने वाली थी, मगर सजा नहीं सुनाई जा सकी। यहाँ पहले से ही गार्ड लगी हुई है हमारी जेल के चारों तरफ है, पहले से सुरक्षा हमारी लगातार चल रही है। आज जो है नाके लगाए गए हैं स्पेशल और उसमें हमारी जो नाके लग रहे हैं और गश्त के लिए अपनी NH6 लगा रखी है। हर
हरियाणा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।